अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए पम्फ्रेट फिश की रेसिपी लाई हूँ। फिश वॉश करने का तरीका मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगी फिश, लहसुन पेस्ट, लेमन जूस, बेसन, इमली का पल्प, नमक, लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, सूखी धनिया, जीरा, अजवाइन और गरम मसाला। अब हम मिक्सचर रेडी करते हैं। इसके लिए मैं इसमें 5 टेबलस्पून इमली का पल्प ऐड करूंगी। लहसुन पेस्ट 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, बेसन 5 to 6 टेबलस्पून, थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, धड़ा मिर्च 1 टीस्पून, सूखी धनिया 1 1/2 टीस्पून, जीरा 1 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी ऐड करेंगे और हम थिक सा मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम एक एक करके फिश लेंगे और इसे मिक्सचर में डिप करके साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी की फिश को भी लगा लेंगे मिक्सचर। सारी फिश को मैंने मसाला लगा लिया है, अब हम इसे 3 to 4 आवर्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तीन से चार घंटे गुजर गए हैं,
अब हम फिश फ्राई करेंगे। ऑयल को हम गरम कर लेंगे और इसमें अब वन बाय वन फिश डालेंगे। लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। 10 मिनट्स के लिए हम इसे एक साइड से कुक करेंगे और फिर 10 मिनट्स के लिए दूसरी साइड से कुक करेंगे। फ्लेम हम लो रखेंगे ताकि हमारी फिश जल्दी ब्राउन ना हो जाए, इस तरह फिर फिश अंदर से कच्ची रहती है। टेन मिनट्स गुजर चुके हैं और हमारी एक साइड रेडी है। अब हम इसी तरह 10 मिनट्स दूसरी साइड को भी कुक करेंगे। फिश हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। ये है हमारी फिश की फाइनल लुक। बहुत ही मजेदार फिश है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। मेरी मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।